चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर आ गई है कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया। तीसरी बार शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है आपको बता दें, दरअसल 4 सितंबर की तारीख को शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था और 1 महीना 3 दिन निकल चुका है उन्हें गिरफ्तार हुए। जुडिशियल कस्टडी जो है मंगलवार को ख़त्म हुआ उनका, लेकिन उन्हें अब आपको बताना चाहेंगे जुडिशियल कस्टडी में 20 अक्टूबर तक रहना है। तलोजा जेल में कैद है, तलोजा सेंट्रल जेल में शौविक चक्रवर्ती को बंद कर रखा गया है जहां उनकी पूछताछ जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल प्ली को कैंसिल कर दिया है, ना सिर्फ शौविक बल्कि अब्देल परिहार का भी, जो कि ड्रग्स सप्लीमेंट करने वाले बिजनेस का हिस्सा थे ये बताया जा रहा है। जी हाँ, दीपेश सावंत को भी बेल मिली है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में शौविक अब भी गुनहगार माने जा रहे हैं क्योंकि वो सुशांत के लिए ड्रग का इंतज़ाम किया करते थे ये खबर आई है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती तो बाहर आ गई, लेकिन भाई को अब भी जेल में परों का सामना, जिल्लत का सामना करना पड़ेगा कहा जा रहा है। बता दें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एफिडेविट फाइल किया था रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और सुशांत के हाउस स्टाफ के खिलाफ, जिसे एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सबमिट किया था। एविडेंस रिया के फाइनेंशियल ट्रैफिकिंग को लेकर थे। इसके अलावा शौविक इसलिए भी कैंसिल हो गई उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत की अर्जी, क्योंकि शौविक के खिलाफ उनके दोस्त रहे करमजीत ने ये बताया कि हाँ वो पेडलर्स के साथ कनेक्टेड थे, यानी कि बड़े अमाउंट में नारकोटिक को धोखा दे रहे थे वो, जिसकी वजह से तमाम सेक्शंस के अंदर उन्हें अब भी जेल के अंदर बंद रखा गया है। व्हाट्सएप चैट लिखे हुए थे रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को सेक्शन 8, सेक्शन 20, सेक्शन 27A, 28 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो साल 1985 में भारत देश में लागू हुआ। इस एक्ट में गैर कानूनी है ड्रग का प्रोक्योरमेंट, और इस एक्ट के तहत ड्रग कंज्यूम करने से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट को गुनाह माना गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।